नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के बोडनपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के जलालपुर महाबलपट्टी होते हुए पीपरी नौनावे रानीपुर होसेपुर होते हुए अम्बेडकर नगर जिले के राजा सुल्तानपुर जाने वाले सड़क पर ग्रामीणों के विकास के सहयोग से समाज सेवी विनीत रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन कर जलालपुर महाबलपट्टी गाँव में स्थित नाले पर पोल का निर्माण तो PWD विभाग से तो करवा दिया गया, लेकिन अभी तक सड़क को पोल से नहीं जोड़ा गया। जहाँ एक तरफ जर्जर सड़क से होकर ग्रामीणों को करीब 10 वर्षों से गुजरना पड़ रहा है, वही अथक प्रयास के बाद पुल का निर्माण तो करोड़ों रुपए की लागत से कर दिया गया, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते पुल का कोई अस्तित्व तो समझ में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने आज शाम को समाजसेवी विनीत रंजन के नेतृत्व में पुल शीघ्र ही चालू किया जाए। वही मौजूद रहे ग्रामीण हृदयराम पटेल, वीरेंद्र वर्मा, रमाशंकर धोबी, अमित कौर सहित तमाम लोग। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। दयाराम पटेल। दयाराम पटेल कहाँ के निवासी हैं? जलालपुर महाबलपट्टी। अच्छा, ये पुल जो बना है, ये पुल का क्या मतलब, किस उद्देश्य से पुल बना है? ये जो तो आप लोग पुल से जा नहीं पा रहे हैं। ये जो तालाब है, बरसात में यहाँ पूरा पानी लगता है और करीब यहाँ गर्दन तक पानी लगता है और लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। मार्ग बंद हो जाता है बरसात में, मतलब बारिश में मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाता है। पूरी तरह बाधित। कोई इसके लिए आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन और सारी चीज़ें मांग किया शासन स्तर से कि पुल का निर्माण हो। पुल का तो आज निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी अस्तित्वहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। जब तक ये रोड नहीं बन जाता तब तक पुल का बनने का कोई मतलब नहीं है। रोड की मांग नहीं की आप लोग, पुल की मांग की, पुल तो बन गया। और उसमें समस्या है कि रोड जो है जिला परिषद से है। अच्छा, रोड जिला परिषद से है। और ये पुल जो है PWD से है, तो ये रोड PWD हो जाए तो बेहतर होगा कि इसका निर्माण अच्छे से हो जाए। अब इसके लिए जहाँ जाना पड़ेगा, कार्यालय वगैरह हम लोग जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। बारिश तो आने वाली है। हाँ, तो इस फिर गर्दन तक पानी से होके गुजरना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसके लिए हम लोग जाएंगे, तहसील पे जाएंगे, जिले पे जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ जाएंगे। जो आपका प्रदर्शन है जारी रहेगा, जारी रहेगा। सड़क नहीं बन जाती, जब तक नहीं बन जाता तब तक जारी रहेगा ये संघर्ष।